सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि वो किसी भी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था, यूरिया घोटाला हुआ जब नरसिम्हा राव के जमाने में, तो 133 करोड़ रुपए चला गया था देश के बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वापस मंगा लिया और स्विस बैंक से वो 133 करोड़ रुपए वापस आ गया। और पता है वो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा था। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री के बेटे को जेल भेजा था वो मैं भूला नहीं कभी भी। सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है। नाज़रीन, राजीव दीक्षित को आप देख रहे थे टेलीविजन पे, ये आदमी अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन इसकी वीडियोज आपको जो है वो मिल जाती है इंटरनेट पे, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि इसने किस तरीके से इंडिया का पैसा वापस लाने के लिए इंडिया में ये बंदा काम करता रहा है। और इसकी जिंदगी में तो नहीं हुआ लेकिन इसकी मौत के बाद अब ये चीजें होना शुरू हो गई हैं। उसने एक मिसाल भी दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर वो चाहें और वो इंटरफेरेंस करें तो उनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो बैरून मुल्क से हुकूमतों को बाउंड करें कि पैसे हमारे वापस लाए जाएं। मेरे साथ इस वक्त विनोद शर्मा मौजूद हैं इंडिया से।